तो गोया लड़ाई सिर्फ इतनी थी, MQM अलग हुई और गवर्नर मुस्ताफी। कहने वाले तो इसे फाइनल गुड बाय समझते रहे और माहौल ऐसा बना जैसे पीपल्स पार्टी और मुतहदा अब हो गए हैं जुदा जुदा। पर क्या कहें इस मुई सियासत को, इक्तदार की म्यूजिकल चेयर में फिर से वो पुराना मोड़ आ गया और वसी तर कौमी मफाद में गवर्नर साहब वापस तशरीफ ले आए और अपने काम के साथ साथ पीपल्स पार्टी से मुजाकरात का मोर्चा भी दोबारा संभाल लिया। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा तो शायद आप मुतहदा की हर कुट्टी पर वफाक की जानिब देखते हैं, जहां से कभी रहमान मलिक साहब या सदर साहब का जादू काम दिखाता है। और अब तो इस फहरिस्त में ताज़ा इजाफा जनाब बाबर अवान का है। इसके साथ साथ बरतानिया के खारजा अमूर के अंडर सेक्रेटरी अरिस्टे बर्ट को भी अपना किरदार अदा करना पड़ा। और अब हालात कुछ यूँ है कि पहले सिर्फ कराची और हैदराबाद में और फिर एक दिन बाद ही पूरे सिंध में कमिश्नरी निज़ाम की छुट्टी हो गई और 2001 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस दोबारा बहाल कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर लड़ाई महज इसी पर थी तो जो लोग सियासत की भेंट चढ़े उनका क्या कसूर था? अगर मकामी हुकूमतों का ये निज़ाम इतना ही बेहतर था तो इसे तब्दील किया ही क्यों गया था? सवाल ये भी है कि मुतहदा का ये मुतालबा जो अब पूरा हो चुका है तो अब क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हुकूमती बेंचों से अपोजिशन की तरफ हिजरत हुई थी क्या वो वापस होगी? और आने वाले वक्त में मामला किस नहज पर जाएंगे?